माशाल्लाह मसाले भी आप बनाए माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे चावल। भूल के ना पानी डालना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो से है टाइमली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग जो आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चावलों के हवाले से। चावलों की रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जो से बना रहे हैं वो है वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस के लिए हमें कौन कौन सी जौनसी हैं वेजिटेबल्स दरकार होंगी, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हम लोग इस्तेमाल करके आज की जौनसी रेसिपीज को तैयार करेंगे वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर लिए हुई हम लोगों ने गाजरें, मटर, आलू और गोभी, फूल गोभी हमने ली है। और ये सब्ज़ियाँ जौनसी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी क्योंकि वेजिटेबल राइस है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और सब्ज़ी चाहे शामिल करना तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं इसके स्पाइसेस के। तो यहाँ पर नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, और हम लोगों ने दो टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट एज यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है, और ये चावल है, ये हम लोगों ने दो गिलास जो से चावल है वो हम लोगों ने लिए हैं। तो ये हम लोगों ने आप शेप दे सकते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से शेप में काट सकते हैं जिसमें भी आप लोग काटना चाहें। तो अब हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, मतलब रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो तो हमने कभी शुरू कर ली है। तो हमने प्याज लिए हैं, वो हम लोगों ने ब्राउन होने के लिए रख दी है ताकि जो सा हमारा टाइम है वो बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग चलते हैं चूल्हे की साइड पे और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि जिनको ये रेसिपी तैयार करनी नहीं आती लेकिन उनका दिल है कि वेजिटेबल राइस वो बनाकर खाएँ तो कुकिंग विद नाज़रीन में आप देखें, सीखें और बनाएँ। तो ये बस एक अदद हम लोगों ने प्याज लिया, इसको हम लोग कर रहे हैं ब्राउन और फिर आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह जो से चावलों की रेसिपी हम तैयार करेंगे। लहसुन टमाटर मैंने डाल दिए इसमें, इसमें वो हो गया मसाला बना लिया। वो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, ये मटर मैंने डाल दिए, साथ ही मटर भून लेते हैं। चाहिए बहुत सबसे लास्ट पर कौन सी सब्जी, मतलब गोभी डालेंगे आप? बस गोभी या आलू डाल देंगे जल्दी। हाँ वो फिर मतलब लास्ट पर डालेंगे, पहले हम लोगों ने मटर और गाजर भी सख्त होती है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आजकल ना मटर ज़्यादा सख्ती है, थोड़े से पानी पकते हैं। अब बस पानी भून के थोड़े से पानी डाल देती हूँ इसमें। अब मैं पाँच मिनट पका गाजर डालते हैं। हाँ जी, ये गाजर है, अब दो मिनट भूनते हैं गाजरों को। हाँ जी, ये आलू जैसे मर्जी आप चाहे इसके काट लें, ये गोभी। हाँ जी, ये बस भून के ना फिर पानी डाल दूँगी साथ से जितने चावल हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाले भी आप बनाए माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे चावल। भून के ना पानी डालना। हाँ जी, ये मैंने पानी डाल दिया ना के आप वाला चढ़ेगा ना फिर इसके बाद में सब्जियाँ डाल दूँगी, वो चावल डाल दूँगी, सॉरी चावल डाल दूँगी। पकने के रख देते हैं और फिर दोबारा दिखाते हैं व्यूवर्स पकने के लिए। ठीक है व्यूवर्स, तो आप लोगों ने कहने जाना है हमारी वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ये भी पकने में पकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है सब्जियों का, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप बताएं बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में ना, किसी को दिल नहीं करता चिकन खाने को ना, तो रोज़ाना या गोश्त वाले चावल तो ये बंदा बना ले ना, ज़रा सब्जियाँ भी खाई जाती हैं साथ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे, आज नया साल शुरू हो जाना कल से इंशाल्लाह, तो आप सबको हमारी तरफ से सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप बहन भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया, कई बहन भाई होते हैं जो बहुत जेलस होते हैं, वो किसी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते। हमारा चैनल कुकिंग का है तो यही है ज़रूरी चीज़ें। लोग कहते हैं टमाटर प्याज ना काटो, टमाटर प्याज नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे, और पेट को रोटी नहीं देनी। मेरा है वो तो टमाटर प्याज नहीं ना काटते, वो टमाटर प्याजों के बगैर ही खाते हैं कच्ची सब्जियाँ। दम पे लगाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। बच्चे कह रहे थे मिर्चों वाले पका के दो हमें चावल करारे से, मैंने फिर भी इतने करारे नहीं रखे, तो थोड़ा मसाला कम नहीं डाला, फिर भी ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, तो बच्चों के हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी दम पे रखने लगे, हम लोगों ने रिशॉर्ट कर ली है चावल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज की रेसिपी है आलू मटर गाजर और गोभी वाले हम लोगों ने सब्जियों वाले मिक्स वेजिटेबल के जो से हमने राइस वो तैयार किए थे, ये है उसका फाइनल लुक। तो आप उस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को क्योंकि नाजने के साथ जुड़ जाएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।